हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट टू का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पेटोमिमेटिक एजेंट। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने डायरेक्ट एक्टिंग ऑन सिम्पेटोमिमेटिक एजेंट्स के सारे ड्रग्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके स्ट्रक्चर और सिंथेसिस एंड यूजेस मैंने वो पढ़ा दिए थे। आप उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पेटोमिमेटिक एजेंट्स पे, कि जो ड्रग्स हमारे शरीर में इनडायरेक्टली एक्ट करती है तो वो कैसे करती है, कौन सी ड्रग्स जो है उसमें रोल करते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, यूजेस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और सिंथेसिस कैसे होती है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो हम पहले ये पढ़ते हैं कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होते क्या है। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे शरीर पे एक्ट तब करते, एक्ट करने के कार एक्ट करते ही, जैसे हमने हमारे मान लीजिए हमारी एक ड्रग है, ठीक, ये हमारी बॉडी है, तो डायरेक्ट वाला क्या, डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होगा कि वो डायरेक्ट इस पोजीशन पे जाके क्या करेगा, ड्रग को अटैक करेगा। लेकिन जो हमारी इनडायरेक्ट वाली ड्रग होगी, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होगी, वो डायरेक्टली जाके इस पे एक्ट नहीं करेगी। वो क्या करेगी, वो जो हमारा एंडोजीनस न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगी। तो जैसे ही उसके कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा तब वो जाके, वो जो ये ड्रग है, ये ड्रग इस एरिया पे जाके बाइंड करेगी, यहाँ पे अपना मैकेनिज्म शो करेगी और यहाँ पे जाके एक्शन जो है वो दिखाई देगी। ठीक, अब इसमें जो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा एंडोजीनस न्यूरोट्रांसमीटर का, वो कैसे होगा, वो अगर हमने रिलीज़ कर दिया जो हमारे ड्रग है, जैसे कि एम्फेटामाइन डेरिवेटिव हो गए या नोरेपिनेफ्रिन हो गए, ठीक, अगर हमने उसका रिलीज़ किया हमारे शरीर में, अगर न्यूरोट्रांसमीटर जब उसका रिलीज़ करेगी, या फिर जब रीअपटेक जो होता है हमारे, जैसे कोकेन हो गया, इनका जब रीअपटेक को हम ब्लॉक कर दें, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक कर रहा होता है ये सब्सटेंस, ये कंपाउंड का, जब हम उसको ब्लॉक कर दें तब हमारा जो ड्रग है वो हमारा इनडायरेक्टली एक्ट करेगा बॉडी पे। ठीक, तो ये जो ड्रग होते हैं ये हमारे रिलीज़ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में और ये पहले से उसमें स्टोर होते हैं एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल्स में। जो हमारे एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल्स होते हैं उनमें ये पहले से ही जो ड्रग है वो स्टोर होते हैं और रिलीज़ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से। जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर इसमें इन्वॉल्व होता है वो हमारा नोरेपिनेफ्रिन होता है, जो कि रिलीज होता है और स्टिमुलेट करते हैं हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को इफेक्टर ऑर्गन्स पे। मतलब जैसे ही ये रिलीज़ होता है तो ये स्टिमुलेट कर देता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को और फिर वो इफेक्ट करता है हमारे जो ऑर्गन्स है। ठीक, अब इसमें जो ड्रग्स हम स्टडी करेंगे उसके बारे में बताता हूँ उनके नाम क्या क्या है। पहला है हमारा हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, जो रिलीज़ जब न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा रिलीज़ जब होता है, जो एंडोजीनस न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, तो उसका जब हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करना होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ जब हम उसका करते हैं तो जो रिलीज़ उस टाइम पे जो ड्रग रिलीज़ होता है वो हमारा एम्फेटामाइन डेरिवेटिव होता है। कौन सा होता है, एम्फेटामाइन डेरिवेटिव, ठीक, और एम्फेटामाइन डेरिवेटिव के साथ ही हमारा एफेड्रिन करके एक ड्रग होता है वो भी हमारा रिलीज़ होता है। ठीक, तो वही है कि जो हमारा ये हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन है ये उसका ही डेरिवेटिव है। उसके बाद स्यूडोएफ्रिन, जो हमारा स्यूडोएफ्रिन हो गया एक, और हमारा जो थर्ड है वो हमारा प्रोपाइल हेक्साड्रिन है। ठीक है, तो हम अब एक एक करके इन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये ड्रग्स होते क्या है। तो आज मैं सिर्फ आपको एक ड्रग के बारे में बताऊंगा, वो है हमारा हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन। अगर टाइम बचा तो मैं बाकी के दो भी कवर कर दूँगा। हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन में क्या है, यह आपका अकर होता है हाइड्रोब्रोमाइड सॉल्ट से, जो कि आपका एम्फेटामिन से डिराइव होता है। ठीक, ये एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है जो कि आपका स्टिमुलेट करता है अल्फ़ा रिसेप्टर को, लेकिन इसमें CNS एक्टिविटी नहीं होती है। जो CNS एक्टिविटी नॉर्मली शो हो रही होती है ड्रग्स में, वो इस ड्रग्स में जो आपकी है वो CNS एक्टिविटी जो है वो आपकी शो नहीं होती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, आपका एक यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक,
अब जैसा कि हुआ क्या, इसमें जो यहाँ पे पारा पोजीशन पे जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो लगा हुआ था बेंजीन पे, जो नॉर्मली बीटा फिनाइल इथाइलामाइन का जो कंपाउंड होता है उसमें OH ग्रुप जो है वो आपका पारा और मेटा दोनों पोजीशन पे होता है, लेकिन इसमें एक पोजीशन पे जो है वो आपका पारा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक। जिसके कारण इसकी जो कॉम्प्ट एंजाइम से जो इसका ये मेटाबॉलिज्म होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक, डिक्रीज होगा। दूसरा इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे वो आपका एक अल्फा पोजीशन पे आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, अल्फा नेक्स्ट टू अमाइन। अब इससे क्या होगा, इससे भी आपका जो ये टाइम ऑफ एक्शन होगा ड्रग का वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम लेगा एक्शन शो होने में, ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपेटोमिमेटिक एजेंट है, तो ये क्या करेगी, ये आपकी कॉजेस जो करती है माइड्रेसिस के कॉज करती है, जब नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज होता है एड्रिनर्जिक टर्मिनल से, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बस इतना ही है कि जब इसका एड्रिनर्जिक टर्मिनल्स जो होते हैं, मान लीजिए अगर हमारे ये एक एड्रिनर्जिक टर्मिनल्स है और इससे इसका रिलीज होता है, यहाँ से मान लीजिए इसका रिलीज हो रहा है बाई रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन, यहाँ से आपका नॉरएपिनेफ्रिन क्या होगा, रिलीज होगा, तो ये कॉज किसका क्या करेगा, माइडियासिस एक डिसीज़ होती है उसका कॉज करता है, ठीक। अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके यूजेस है कि ये आपका नार्कडेप्सी में यूज़ होता है और आपके चिल्ड्रंस में जिसमें हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम्स जो डिसीज़ है जब वो होती है किसी चिल्ड्रन में या बच्चे में तो उसमें होता है, और ये आपका एनोरेक्सेंट का यूज़ करता है ओबेसिटी को ट्रीट करने में, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज का जो हमारा है कि हमने आज इसमें इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स वगैरह पढ़े कि वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स का क्या रोल होता है, और उसके बाद इसमें जो ड्रग्स है हमारा पहला आज हमने ड्रग्स पढ़ा है हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन। कल आपकी जो वीडियो बन कल आपके जो लेक्चर होगी उस नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बाकी के दो ड्रग जो है स्यूडो एफ्रीन और प्रोपाइल हेजेड्रिन वो मैं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, तो हम कोशिश करेंगे, हम पूरा ट्राई करेंगे अपने ओर से कि आपकी डाउट्स को और प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच।